हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये है किट्टू द गोल्डन। ओके ठीक है, आपका ही वीडियो बन रहा है, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। था आपका अपने पीडब्ल्यू चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके सामने पाउडर लाया हूँ, ये काफी ब्रांडेड है, जिसका नाम है हिमालय एरिना ईपी पाउडर। इसके पहले मैंने अपने पुराने वीडियो में सेम ब्रांड का, सेम प्रोडक्ट का सैंपल आया था, जो कि टिक्स एंड फ्लीज में काफी इफेक्टिव था, और इस बार मैंने पाउडर लाया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करते आया हूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इसका प्राइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, 150 ग्राम का प्राइस पड़ेगा आपको 190 रुपीज, और इसका एक्सपायरी डेट रहता है 3 साल का, 3 ईयर्स का। आप देख सकते हैं ये सितंबर 2020 में है और ये अगस्त 2023 तक ये चलेगा, यानी कि ये 3 साल तक आराम से चल सकता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है फ्रेंड्स, इसे डॉग्स और कैट्स दोनों में यूज कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड, अब मैं इसे पहले खोल के दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, ओपन कर दिया है और ये सील इसका है, मैंने यहाँ होल किया हल्का सा है, और मैं हल्का सा निकाल के दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ आपको इस तरह दिखेगा, और इसका स्मेल काफी बढ़िया है। ऐसा कोई बैड ऑर्डर नहीं है कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आसानी से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और डॉग पे लगाने के बाद कोई ऐसा बैड स्मेल नहीं आता है, तो इसे यूज करना काफी आसान है। अब जानते हैं इसे यूज कब करना है। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो डॉग या कैट हैं, वो गर्दन के पास हमेशा खुजली करते रहेंगे, या जहां उनका बॉडी पहुंच नहीं पाता हमेशा वो खुजली करते रहेंगे, या पूंछ के अपने टेल के आसपास वो खुजली करते रहेंगे। तो आप समझ जाइए, उस केस में चांसेस है उनके बॉडी में टिक्स या फ्लीज हो चुका होगा, यानी कि ढील हो चुका होगा, तो उस केस में इसे यूज करना है। और फ्रेंड, इसे यूज करना काफी आसान है। इसे जैसे मान लीजिए आपने आज के डेट को आपने अपने डॉग को नहलाया है, तो आफ्टर 1 डेज, यानी कि कल के डेट में आप इसे यूज कीजिएगा, अच्छे से हल्का हल्का पूरे बॉडी में देख करके, जहां जहां इफेक्टेड एरिया है, या टेल के पास, पीठ के पास, और जो उनका पैर होता है, पैर के बीच में, वहां आप देख करके बढ़िया से कॉम कर सकते हैं। और उसके बाद इसे आप 1 वीक तक यूज नहीं कीजिएगा, और फिर आफ्टर 3 डेज आप इस डॉग को अपने या कैट को अपने नहला दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ ये गर्मी के सीजन के लिए, क्योंकि यह जो बीमारी है या यह जो टिक्स एंड फ्लीज है, मोस्टली आपके गर्मियों के मौसम ही ये ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है, 2 से 3 बार में जो भी टिक्स या फ्रीज होंगे आपके डॉग के से या कैट से आसानी से निकल जाएंगे, और इसे यूज करना फ्रेंड काफी आसान है, जो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका पाउडर हुआ, और ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे इसे लगाने का है। तो फ्रेंड्स देखिए, अच्छे से कॉम करने का है, और हल्का हल्का हम लोग ऐसे मिलाइए और बढ़िया से कॉम कीजिए, ताकि पूरा इसमें मिल पाए, जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया है। जैसे यूजुअली क्या होता है, जो पीछे का एरिया है, इस एरिया में ज़्यादा टिक्स लगते हैं। तो आप हल्का सा ऐसे खोल के डालिए, पूरा ऐसे आप पूरा ऐसे बढ़िया से कॉम कर दीजिए। तो आगे का एरिया है आपको यहाँ भी डालना होगा, तो बाल को किनारे करके हल्का हल्का आप डाल दीजिए इस तरह करके। और अब हम लोग इसे कॉम कर देंगे बढ़िया से। और देखिए ये जो फ्रेंड्स नीचे का जो एरिया है, इससे भी आप चाहे तो हल्का सा यहाँ पाउडर देके चाहे तो हल्का सा आप कर सकते हैं। मिट्टू पाउडर दीजिएगा, हल्का सा पाउडर गिरा यहाँ पे, हल्का सा पलटिए, छोड़ दी, बस हो गया हो गया। बस फ्रेंड, ये आपका रेडी हो गया।